अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जुनैद शाह और विजुअल बेसिक में आज हम जो सीखने वाले हैं वो है कंडीशन। तो विजुअल बेसिक या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जितनी भी हैं उसमें आपकी दो कंडीशंस आ जाती हैं। एक होती है आपकी सेलेक्ट केस यानी के स्विच केस, जो दूसरी प्रोग्रामिंग में कहते हैं, वीबी के अंदर सेलेक्ट केस कहते हैं, और दूसरी होती है आपकी इफ की कंडीशन। तो यहाँ पर आज हम इफ की कंडीशन सीखने वाले हैं कि इफ की कंडीशन क्या है। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीबी के एनवायरनमेंट में। ये हमारा एनवायरनमेंट है। सबसे पहले कंडीशन, तो मैंने यहां पे एक बटन ले लिया और इस पे हम इफ की कंडीशन को चेक करेंगे। ठीक है, तो इफ की कंडीशन को चेक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम चाहे तो वेरिएबल ले सकते हैं, हम चाहे तो ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, उसमें कोई वैल्यू रखकर उसको यूज कर सकते हैं। तो वेरिएबल या ऑब्जेक्ट बात सेम है। ऑब्जेक्ट में क्या होगा, आपको वैल्यू पता चलेगी, और वेरिएबल में आपको वैल्यू पता नहीं चल सकती। आप चाहे तो इनपुट यूज कर सकते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियोस में जो है इनपुट बॉक्स सिखाया है कि इनपुट बॉक्स क्या है फंक्शन। मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, बहुत सिंपल है, यह लॉजिकल फंक्शन है आपका, बहुत अच्छा फंक्शन है। इसको अगर आप सीख लेते हैं तो बहुत है, मतलब कि प्रोग्रामिंग में तो लाजमी सीखना चाहिए। तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स उठाया है, तो उस पे मैं कंडीशन रखूंगा और टेक्स्ट बॉक्स के लिहाज से मैं काम करूंगा। अब यहां पर कंडीशन रखते हैं टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट। तो मैंने कंडीशन रखी, क्या रखूं, तो कंडीशन आप जो भी चाहे रख सकते हैं। लाइक मैं कोई कलर देखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि कोई भी कलर हो, कोई भी कलर हो, वो कलर तब आए जब मैं उस पर लिखूं। यानी कि लाइक मैं चाहता हूँ फॉर्म का बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए, तो मैं चाहता हूँ अगर रेड टेक्स्ट वन के अंदर लिखा हुआ हो तो टेक्स्ट आए, तो वहां पर बैकग्राउंड का कलर रेड हो अगर लिखा हुआ हो। तो देखते हैं, मैंने यहाँ पर रेड लिखा है, मैंने लिखा टेक्स्ट वन इक्वल टेन। तो यहाँ पर कंडीशन यूज करते हैं। अब क्या यूज करते हैं कंडीशन, इफ अगर टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट इक्वल रेड, अगर उसमें रेड लिखा हुआ है, देन क्या करो, फॉर्म वन डॉट बैक कलर, सॉरी बैक कलर क्या कर दे, वी बी रेड कर दे, बस यही है। अब क्या है, इफ कंडीशन का अपना ब्लॉक होता है, जैसे कि प्राइवेट सब कमांड वन के लिए ऊपर से लिखा हुआ है, उसका एंड सब ब्लॉक नीचे खत्म हो रहा है। तो इफ अगर स्टार्ट हुई है तो इसका ब्लॉक एंड भी होगा, तो इसको हम एंड इफ कर देंगे नीचे से। और ये हमारा इफ का, देखे मैं जैसे बटन पे क्लिक कर रहा हूं कोई काम नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि वो कंडीशन चेक कर रहा है बार बार, इफ कंडीशन को चेक कर रहा है क्या वाकई इसमें ये रेड लिखा हुआ है। अब मैं यहां पर रेड लिखकर देखें, सॉरी यहां पर रेड में फॉर्म, अब देखें हो गया। तो दूसरी सूरत हाल, मैंने दूसरा आर्ग्यूमेंट दे दिया है, पहले हम इसको थोड़ा कट करते हैं, समझ लेते हैं, एल्स को थोड़ा नहीं समझते हाल फिलहाल। ठीक है, एल्स भी बहुत सिंपल है। पहले कंडीशन क्या है कि कलर आज रेड कब आएगा, जब वो इफ को चेक करेगा, इफ को चेक कर रहा है यानी कि टेक्स्ट वन को चेक करेगा, इफ टेक्स्ट वन को चेक कर रहा है, अगर उसके अंदर रेड लिखा हुआ, रेड नहीं लिखा हुआ तो बटन को क्लिक कर रहा हूं कुछ नहीं हो रहा। अब मैंने यहां पर लिखा रेड, रेड हो गया। अच्छा, मैं दूसरी कंडीशन लगा रहा हूं, अगर यहां पर कुछ ना लिखा हुआ या कुछ और लिखा हुआ एक्स वाई जेड कुछ भी, तो फिर क्या है, अभी तो रेड हो गया है, तो फिर क्या हो, तो कंडीशन कहां जाए। तो दूसरी सूरत हाल में क्या काम करे, तो यहां पर दूसरी सूरत हाल में इसका दूसरा पैरामीटर, दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है एल्स। तो फॉर्म वन डॉट बैक कलर वी बी ब्लू कर देते हैं। अब देखें, लो इसने जब कंडीशन चेक की तो वहां पर तो रेड नहीं था लिखा, जब रेड ना लिखा हो तो दूसरी सूरत हाल में, चाहे आपका कलर लिखा हो, चाहे आपका कलर ना लिखा हो, कुछ भी लिखा हो या टेक्स्ट बॉक्स खाली हो, कलर ब्लू हो जाए, तो आपका कलर ब्लू हो गया। अब इसको थोड़ा सा किसी और तरीके से देख, यहाँ पर आते हैं, इसको एफेट का फंक्शन यूज करते हैं। ये देखें, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है यानी कि उसने चेक किया टेक्स्ट वन को, पहले ऊपर येलो कलर था, वो जैसे ही हमने एफ को क्लिक किया तो वो चेक करेगा के फॉर्म वन डॉट कलर रेड कर दूं, अगर टेक्स्ट में रेड लिखा हुआ है, अगर टेक्स्ट में रेड लिखा हुआ है तो रेड कर देगा, लेकिन अगर टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ तो वो डायरेक्टली नीचे आ जाएगा। देखिए, हमारे टेक्स्ट में रेड लिखा हुआ है इसलिए वो डायरेक्टली बैक कलर फॉर्म
रेड पे आके नीचे आ गया। दूसरी सूरत हाल में क्या करेगा, फिर से इसको चेक करते हैं, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। अब देखते हैं, अब ये टेक्स्ट में चेक करेगा रेड लिखा हुआ है, नहीं नहीं लिखा हुआ, तो डायरेक्टली एल्स पे आ गया, फिर एल्स क्योंकि टेक्स्ट में रेड नहीं लिखा हुआ, और यहां पर इसने दे दिया बैकग्राउंड ब्लू। तो आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। अब इसको फिर से एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं। F9 खत्म, कलर ब्लू, इसको चेक किया टेक्स्ट में, टेक्स्ट में रेड नहीं था तो ब्लू, अगर अभी हम रेड लिख लेंगे तो हो जाएगा वाइट, अगर मैं इसकी जगह कुछ और लिख लूँ लाइक मैं कलर चाहता हूँ ग्रीन, कंडीशन में ग्रीन नहीं है तो ब्लू हो जाएगा। तो आई होप आपको इसकी कंडीशन समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई तो इस पर हम एक और वीडियो बनाएंगे, बल्कि अभी तो इफ स्टार्ट हुई है, एल्स एफ है, नेस्टेड एफ है आपकी, इफ के दो चार वीडियोस और बनेंगे, दो चार क्लासेस कह लो। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और थैंक।